यूपी के हमीरपुर जिले के रहने वाले वर्तमान में कानपुर निवासी पवन कुमार ने पीसीएस 2022 पास कर गोंडा में दिव्यांगजन अधिकारी बन गए। वह दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर फाइनल परीक्षा दे चुके हैं। उनका चयन नायब तहसीलदार पद पर हो रहा था तो मना कर दिया और सेवा करने के मकसद से जिला दिव्यांगजन अधिकारी गोंडा पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को 196 दिव्यांग को मोटराइजेड साइकिल देने की तैयारी चल रही है। इस बीच अन्य दिव्यांग के लिए शिविर लगाकर उनका चयन ट्राइन साइकिल के लिए किया जाएगा। पहली बार योगी सरकार ने दिव्यांग को आवाज देकर पुनीत कार्य किया है। देश के प्रधानमंत्री ने विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग रखकर अच्छी शुरुआत की। नौकरी में प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ल, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, गोंडा। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं मूलतः हमीरपुर का हूँ, उत्तर प्रदेश, और मेरी शिक्षा कानपुर में हुई है। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर से, इसके बाद मैंने डी यू से पीजी किया हुआ है और वर्तमान में मैं पीएचडी सीख कर रहा हूँ। और 2022 में मेरा यूपी पीसीएस में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के तौर पर नियुक्ति हुई है इधर गोंडा में। और मैं यूपीएससी की अभी भी तैयारी में लगा हुआ हूँ। पिछली बार इंटरव्यू दिया था तो 8 नंबर से रह गया था। अब इस बार पुनः मेंस दिया हूँ और बेहतर तैयारी के साथ दिया हूँ। इसके अलावा मैंने 20 तारीख को इसी महीने ज्वाइन किया है गोंडा जिला, और यहाँ दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जो बेहतर से बेहतर मैं प्रयास कर सकता हूँ उसके लिए मैं तत्पर हूँ। जी, अभी हम लोगों ने एलएमको से एमओयू साइन किया है तो 3 दिसंबर 2023 को हम लोग 196 मोटराइड ट्राईसाइकिल बंटवाने वाले हैं। इससे पहले ही हम लोग नॉन मोटराइड ट्राईसाइकिल बैसाखी और हियरिंग एड कान में लगती हैं वो बंटवाने वाले हैं। इसके लिए बहुत बड़े स्केल पे तैयारियां चल रही हैं और ये कैंप बहुत जल्दी आयोजित करने वाले हैं हम लोग। दिव्यांगों के लिए ये पहली बार है कि उनको आवाज़ की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि अधिकतर दिव्यांगों को वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ये लोग हैं, तो इनको घर से भी बहुत ज़्यादा वंचित रहते हैं कि घर में भी कई बार होता है कि बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है या खुद के आवास की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से आवास का अभी सत्यापन कार्य भी चल रहा है। अभी सिर्फ 2 जांचें बचे हुए हैं, बाकी तो पूरा काम लगभग कम्प्लीट ही हो चुका है। तो बहुत जल्दी और ये काम तीव्र गति से हम लोग जारी करेंगे।